हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आई एम श्रीकांत कलिंदर। फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सेट 27 दिसंबर 2020, सेकंड पेपर ऑफ सोशियोलॉजी, एंड दिस इज पार्ट सेकंड, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 32। Which anthropologist has differentiated between folk community and urban community? कौन से anthropologist ने folk community और urban community को differentiate किया है? Take your time. The correct answer is Robert Redfield. Robert Redfield was an American anthropologist. He has given some characteristic of folk community. Folk community के उन्होंने कुछ characteristic बताए, such as smallnessness, folk community छोटी रहती है, isolated location रहता है उनका, non-literate people, and socially homogeneousness, strong group solidarity and kinship ties. Those people living in rural areas, they have isolated locations and most of the people are non-literate and they socially homogeneous and they have a strong solidarity and also they have a strong kinship bond also. For example, primitive agrarian community को उन्होंने example के तौर पर पेश किया है। Question number 33, which concept of Darwin suggests that certain social characteristic played key role in the survivability of groups in the natural environment? Darwin की कौन सी theory आपको suggest करती है सर्टन सोशल कैरेक्टरिस्टिक प्लेड की रोल? कुछ सोशल कैरेक्टरिस्टिक है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस लिए? इन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ ग्रुप्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रुप की सर्वाइवेबिलिटी होने के लिए कुछ सोशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यह कौन से कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया है? Take your time. The correct answer is natural selection. देखो, डार्विनिज्म क्या कहता है? डार्विनिज्म इज द बिलीफ इन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनिज्म यह बिलीव करता है कि नेचर में जितने भी स्पेसीज है, जितने भी जानवर है, जो फिट है वही सर्वाइवल करेगा और जो फिट नहीं है वो डिके हो जाएगा। तो इसी को आगे जाके हार्बर्ट स्पेंसर स्पेंसर ने थ्योरी दिया है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। तो जो डार्विनिज्म का जो ये जो सिद्धांत है नेचुरल सिलेक्शन, यह ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859 ये जो बुक है, इस बुक में इन्होंने यह थ्योरी दिया है। क्वेश्चन नंबर 34, गिडिंस स्ट्रक्चुरेशन थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन। गिडिंस का जो स्ट्रक्चुरेशन थ्योरी है, यह स्ट्रक्चुरेशन थ्योरी कौन से दो पॉइंट में रिलेशनशिप बताता है? टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एजेंसी एंड स्ट्रक्चर। गिडिंस कहता है एजेंसी एंड स्ट्रक्चर कैन नॉट बी कंसीव्ड ऑफ अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, दे आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। गिडेंस कहते हैं एजेंसी और स्ट्रक्चर जो है, क्या है एजेंसी? एजेंसी का मतलब है इंडिविजुअल और या एजेंट, जिसको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में एजेंट इंडिविजुअलिज्म को पढ़ा जाता है। और स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर यानी कि सोसाइटी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो है, यानी कि दुर्खीम हो गए, पार्सन हो गए, वह स्ट्रक्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, पूरे सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते। तो वह कहते हैं कि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और सिंबॉलिकल इंटरेक्शनिज्म जो है, उनके जो थिंकर्स है वह कहते हैं कि इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है। बट गिडिंस क्या कहता है? गिडिंस कहते हैं कि दोनों अलग नहीं हो सकते, वो एक ही कॉइन के दो साइड से, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, एजेंसी और स्ट्रक्चर भी। बिना स्ट्रक्चर के एजेंसी काम नहीं कर सकती और बिना एजेंसी के स्ट्रक्चर कुछ काम नहीं कर सकता। इसको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चुरेशन कहते हैं।
Question number 35. India gets maximum share of her GDP from which of the following sectors of economy? इकोनॉमी के कौन से सेक्टर से इंडिया मैक्सिमम जीडीपी का शेयर इंडिया के उस सेक्टर से है, इनमें से कौन से सेक्टर्स में से है? टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज सर्विस सेक्टर. देखो सर्विस सेक्टर से इंडिया के जीडीपी में 54.3% शेयर है. फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से 29.6%, प्राइमरी सेक्टर से है यानी कि एग्रीकल्चर से 17% जीडीपी में शेयर है अपने पूरे. तो रिसेंट टाइम में यह फाइव पावर है इंडिया के, सॉरी वर्ल्ड के. तो उसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस की है 19.485 ट्रिलियन डॉलर की. उसके बाद चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी और लास्ट में इंडिया का है फिफ्थ नंबर. तो यह रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 का, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. इन विच ऑफ हिज बुक्स फोकोल्ड यूज द टर्म गेज एज अ फॉर्म ऑफ नॉलेज. गेज जो है यह एक नॉलेज का फॉर्म है. यह कौन से बुक में माइकल फूको ने लिखा है? माइकल फूको एक बहुत ही फेमस पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स है. टेक यू टाइम. द करेक्ट आंसर इज द बर्थ ऑफ क्लिनिक. बर्थ ऑफ क्लिनिक उनका बुक है. उस बुक में उन्होंने गेज एक नॉलेज का फॉर्म है यह बताया है. कई बार उनके बुक्स और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछते हैं, तो उन्होंने तो बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, बट यहाँ पे जितने भी बुक्स दिए हैं तो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा आता है? मैडनेस एंड सिविलाइजेशन. सेकंड में द बर्थ ऑफ क्लिनिक आता है. थर्ड में डिसिप्लिन एंड पनिश. और फोर्थ में द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी. क्वेश्चन नंबर 37. द प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड इन रिसेंट टाइम्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डैश. प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो है किसका? लैंड का. इनमें से किसको कंसिस्ट नहीं करता आज के टाइम पे? टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज जजमानी सिस्टम. फैमिली लेबर भी खेतों में, आज फैमिली के लेबर भी काम करते हैं. यस, हायर्ड लेबर भी काम करते हैं, टेनेंसी लेबर भी काम करते हैं, बराबर है. बट जजमानी सिस्टम आज के टाइम पे रहा है क्या? नहीं रहा है. क्वेश्चन नंबर 38. तेभागा मूवमेंट वॉज मेनली एम्ड एट. तेभागा मूवमेंट का एम क्या था, उद्देश्य क्या था? टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज रिडक्शन ऑफ लैंड टैक्सेस. लैंड का जो टैक्स है उसका रिडक्शन करना है. बहुत बार यह क्वेश्चन आता है तेभागा मूवमेंट. जब हम फेजेंट मूवमेंट पढ़ते तो उनमें से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है यह तेभागा मूवमेंट. तो यह बेसिकली किसान आंदोलन है. कहाँ इनिशिएटेड? इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में इनिशिएटेड हुआ था. किसने किया था? किसान सभा ने किया था. पेजेंट फ्रंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. किसान सभा क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी का पेजेंट फ्रंट था. यह स्टार्ट हुआ था 1946 और 47 के बीच में. एट दैट टाइम शेयर क्रॉपर्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू गिव हाफ ऑफ देयर हार्वेस्ट टू द लैंडलॉर्ड्स. उस टाइम पे शेयर क्रॉपर जो है वो लैंडलॉर्ड्स को अपने उत्पादन में से 50% उनको देते थे. बट द डिमांड ऑफ द तेभागा. तेभागा का मतलब क्या है? शेयरिंग बाय थर्ड, वन थर्ड. मूवमेंट वॉज टू रिड्यूस द लैंडलॉर्ड शेयर टू वन थर्ड. किसान कहते थे कि नहीं, हम अगर आपको 50% यानी कि आधा उत्पादन अगर आपको हम देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा. तो क्या करिए आप वन थर्ड आप रख लीजिए और बाकी का हम रखते हैं. तो यह तेभागा का मीनिंग है क्या? शेयरिंग बाय थर्ड, वन थर्ड. क्वेश्चन नंबर 39. बहुत ही फेमस कोटेशन है. हु वाज ऑफ द ओपिनियन दैट रिवोल्यूशन आर लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री. रिवोल्यूशन हिस्ट्री का लोकोमोटिव है यानी कि हिस्ट्री का रिवोल्यूशन संचालन करता है. किसने कहा है? करेक्ट आंसर इज कार्ल मार्क्स. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज नॉट एन इमर्जिंग फॉर्म ऑफ फैमिली. इनमें से कौन सा इमर्जिंग फॉर्म ऑफ फैमिली नहीं है? क्वेश्चन पढ़ते समय जहां पर नॉट है वहां पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बार सिंपल भी क्वेश्चन हमारे से गलत हो जाते हैं. करेक्ट आंसर इज स्टीम फैमिली.
स्ट्रीम फैमिली क्या होता है? स्ट्रीम फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और एल्डेस्ट मैरिड सन एंड देयर चिल्ड्रन हु लिव टुगेदर अंडर द अथॉरिटी ऑफ ग्रैंडफादर। स्ट्रीम फैमिली में ग्रैंडफादर पेरेंट्स रहते हैं तो और उनके एल्डेस्ट सन जो होते हैं वह और उनके बच्चे रहते हैं, बट फैमिली में अथॉरिटी किसकी चलती है? ग्रैंडफादर की अथॉरिटी फैमिली में चलती है। और जो ग्रैंडफादर के जो यंगेस्ट बच्चे हैं और उनके चिल्ड्रन से वो यहाँ पे इनके साथ नहीं रहते हैं। तो यह सोसाइटी मेनली सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में पाई जाती है, ऑस्ट्रिया, सदर्न जर्मनी में ये आपको फैमिली मिलती है। तो ये इमर्जिंग फॉर्म ऑफ फैमिली है क्या? नहीं है, बट चाइल्डलेस फैमिलीज लाइक दोज पीपल लिविंग रिलेशंस, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज और सिंगल पेरेंट फैमिलीज, यह इमर्जिंग फॉर्म ऑफ फैमिली है। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू हुम द स्प्रेड ऑफ मास मीडिया एंड मास एंटरटेनमेंट कॉज द पब्लिक स्पेयर टू बिकम लार्जली सेम। इनमें से कौन सा फिलोसोफर यह कहता है कि जो पब्लिक स्पेयर है यानी कि सार्वजनिक जगहें हैं जहां पर लोग बैठ के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं, बट वह आज सोशल मीडिया और वह आज मास मीडिया की वजह से और मास एंटरटेनमेंट की वजह से पब्लिक स्पेयर एक ढोंग बन गया है। यानी कि अगर आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट के शो देखते हैं और मास मीडिया के ऊपर वो लगे रहते हैं, बट वह नहीं जानते कि उनके साथ एक्सप्लोइटेशन किस तरह से हो रहा है। तो यह किसने बताया है? टेक यू टाइम। तो यह जर्गन हैबरमास ने बताया है। जर्गन हैबरमास कौन है? जर्गन हैबरमास एक जर्मन फिलोसोफर है, क्रिटिकल थ्योरिस्ट है। तो बहुत ही फेमस ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक स्पेयर का। क्वेश्चन नंबर 42, विच स्टेट हैज मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम करंट अफेयर्स ओनली, सो यू मस्ट हैव टू गो थ्रू newspaper every day, you must have to read newspaper daily, take your time. The correct answer is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh has the largest area under forest. Madhya Pradesh mein 77414 square kilometer ka jo area forest ke under aata hai, yani ki unka jo total land hai uske 25.11% वह एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ ओडिशा एंड फिफ्थ महाराष्ट्र। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मिजोरम 85.41%, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। इसको याद कैसे रखेंगे? एक सिंपल ट्रिक है, याद देखो, मिया मेमन यानी कि मी का मतलब क्या है? मिजोरम। या का मतलब क्या है? अरुणाचल प्रदेश। मे का मतलब है मेघालय। म का मतलब है मणिपुर। और न का मतलब है नागालैंड। तो कुछ ऐसे ट्रिक बना के भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, Which one of the following is true about the open-ended questions? Open-ended questions के बारे में इनमें से कौन सा true है? Take your time. The correct answer is simple and easy to analyze the response. देखो, दो टाइप के questions होते हैं, एक open-ended होते हैं और दूसरे close-ended होते हैं। Close-ended में क्या होता है? Difficulty in rising an issue. क्लोज एंडेड में डिफिकल्टी होती है इशू रेज करने के लिए, ठीक है, और नॉट इजी टू गेट फ्री रिस्पॉन्स मिलना क्लोज एंडेड में कठिन होता है। और फिर फिक्स स्ट्रक्चर फॉर रिस्पोंडेंट टू रिप्लाई, यस और नो में उसका आंसर आपको देना पड़ता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में तो फिक्स स्ट्रक्चर ही उसका होता है, बट ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड सिंपल एंड ईजी टू एनालाइज द रिस्पॉन्सेस। क्वेश्चन नंबर 44, द फील्ड ऑफ स्पोर्ट इज ऑफन डोमिनेटेड बाय द मेल्स। दिस शोज
एक जो खेल का क्रीड़ा क्षेत्र है वो हमेशा मेल से डोमिनेट होता रहता है, यह क्या शो करता है? करेक्ट आंसर इज देयर इज कनेक्शन बिटवीन स्पोर्ट्स एंड पैट्रियार्की। स्पोर्ट्स और पैट्रियार्की में क्या है? कनेक्शन है। इस सेंटेंस से हम वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स एज एनालाइज्ड बाय ईआर रेडक्लिफ ब्राउन। और ईआर रेडक्लिफ ब्राउन ने स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को एनालाइज किया है, तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चरल फॉर्म्स क्या है? टेक योर टाइम। अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल फॉर्म्स क्या है? अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है किसका? सोशल स्ट्रक्चर का। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2018? टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 130। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उनमें इंडिया का रैंक 130 है 2018 के हिसाब से। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन इंडेक्स डिजाइन टू मेजर जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी को मेजर करने के लिए जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स टुगेदर विद जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स GEM वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन 1955 इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिटन बाय UNDP। UNDP ने उनके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में यह जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स लिए थे। क्वेश्चन नंबर 47, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए डोमिनेंट कास्ट। इनमें से कौन सा डोमिनेंट कास्ट है? करेक्ट आंसर इज वक्कालिंगा। वक्कालिंगा कहां पे कास्ट है? वक्कालिंगा कर्नाटका में कास्ट है। और डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट M.N. श्रीनिवास ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 48, मैच द लिस्ट, लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। प्रिपरेशन ऑफ कोड सीट जो है वो थर्ड स्टेज है। रीटेस्टिंग द कोडिफाइड डाटा फोर्थ स्टेज है। प्रिपरेशन ऑफ कोड बुक फर्स्ट स्टेज है। टेस्टिंग ऑफ कोड बुक सेकंड स्टेज है। यहाँ पे जब रिसर्च करते हैं तो उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हमको लिखना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टेज कौन सा होता है? प्रिपरेशन ऑफ कोड बुक। कोड बुक का हम प्रिपरेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं रिसर्च में? टेस्टिंग ऑफ कोड बुक। कोड बुक की टेस्टिंग होती है। फिर प्रिपरेशन ऑफ कोड सीट। कोड सीट का प्रिपरेशन करते हैं। फिर क्या होता है? रीटेस्टिंग ऑफ द कोडिफाइड डाटा। कोडिफाइड डाटा को हम क्या करते हैं? रीटेस्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। मैकडोनल्डाइजेशन टर्म इज कॉइंड बाय। मैकडोनल्डाइजेशन का जो टर्म है किसने कॉइन किया है? टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज जॉर्ज रिट्जर। देखो जॉर्ज रिट्जर एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है। जॉर्ज रिट्जर ने मैकडोनल्डाइजेशन डेवलप्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज रिट्जर इन हिज 1993 बुक। 1993 में उन्होंने एक बुक लिखा है। कौन सा बुक? द मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी, वह उन्होंने एक बुक लिखा है। और रिट्जर, मैकडोनल्डाइजेशन इज व्हेन अ सोसाइटी अडॉप्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। रिट्जर कहते हैं मैकडोनल्डाइजेशन का क्या मतलब है कि मैकडोनल्डाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फास्ट फूड रेस्टोरेंट का, कि जब सोसाइटी फास्ट फूड रेस्टोरेंट का जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करती है। द प्रिंसिपल ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट आर कमिंग टू डोमिनेट मोर एंड मोर सेक्टर्स ऑफ रीसेंट आइडिया अबाउट द वर्ल्ड वाइड होमोजिनाइजेशन ऑफ कल्चर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। देखो आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम यह कहते हैं कि वर्ल्ड इज लाइक अ ग्लोबल विलेज। आज अगर कोई वॉशिंगटन DC में या न्यूयॉर्क में कुछ भी इवेंट्स होता है तो उसका इम्पैक्ट सीधे इंडिया के दिल्ली में, बेंगलोर में, पुणे में, मुंबई में होता है। तो आज क्या हो गया है, इंफॉर्मेशन की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंटरनेट की वजह से एक होमोजिनाइजेशन हो गया है। वर्ल्ड एक विलेज की तरह बन गया है, यानी कि
वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में अगर कुछ होता है तो सबको उसके बारे में पता चलता है और कल्चर भी उसका एक जैसा होने लगा है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है मैकडोनल्डाइजेशन का। मैकडोनल्डाइजेशन, आप मैकडोनल्ड में जाते होंगे और वहाँ पे बहुत सारे फास्ट फूड्स होते हैं। अपने इंडिया में तो फास्ट फूड हम खाने वाले अपनी संस्कृति नहीं थी, बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने भी यह चीज़ें अडॉप्ट की है। तो उसमें बेसिकली पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह वो मिलता है वहाँ पर। मैकडोनल्डाइजेशन इज अ रिकंसेप्चुलाइजेशन ऑफ रैशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर मैक्स वेबर यूज्ड द मोड्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस चेंजिंग सोसाइटी। देखो, मैक्स वेबर ने रैशनलाइजेशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो बताया था उसका रिकंसेप्चुलाइजेशन ही है। क्या है? मैकडोनल्डाइजेशन। मैक्स वेबर ने एक थ्योरी दिया था ब्यूरोक्रेसी का, कि उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है यह पूरे दुनिया में स्प्रेड होते देखा जा रहा है। तो यस, उसी तरह से रिट्जर भी कहते हैं, रिट्जर सी द फूड रेस्टोरेंट्स एज अ मोर रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव कंटेम्प्रेरी पैराडाइम। वो कहते हैं फूड रेस्टोरेंट भी उसी तरह से, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही आज हर कंट्रीज में एक सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, तो उसी तरह से फास्ट फूड का कल्चर भी हर कंट्रीज में आपको आज के टाइम पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हैबिटस इज नॉट, हैबिटस क्या नहीं है? करेक्ट आंसर इज हैबिटस परमानेंट नहीं है। यस, हैबिटस चेंज होते रहते हैं। हैबिटस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? इट इज गिवन बाय पेरे बॉर्डियो। पेरे बॉर्डियो कौन है? फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है। हैबिटस और फील्ड का उनका बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद कल्चरल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए है। क्वेश्चन नंबर 51, इन विच ईयर वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? कौन से साल में प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ है? टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज 2005 में एक्ट इंडिया में बना है। एक्ट तो बना है बट डोमेस्टिक वायलेंस रुका है क्या? नहीं, शुरू ही है वो। इंडिया में बस नाम के लिए बहुत सारे कानून है बट उसका इंप्लीमेंटेशन 100% होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, हु पॉपुलराइज्ड द फ्रेज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स ये किसने फ्रेज पॉपुलराइज किया है? टेक यू टाइम। करेक्ट आंसर इज क्या? गैरेट हार्डिन। देखो, गैरेट हार्डिन कौन है? अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है हु वार्न्ड ऑफ द डेंजर्स ऑफ ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन। वह कहते हैं कि ह्यूमन का ओवर पॉपुलेशन जो है वह दुनिया के लिए एक मुसीबत पैदा कर सकता है। देखो, सबसे पहले ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है, द कॉन्सेप्ट इन एन एसे रिटन बाय द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट डब्ल्यू एफ लॉयड, हु हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ अनरेगुलेटेड ग्रेजिंग ऑन कॉमन लैंड आल्सो नोन एज कॉमन्स। डब्ल्यू एफ लॉयड जो थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि समझो ये पीस ऑफ लैंड है छोटा, अगर ये कॉमन है तो इनमें से समझो यहाँ पर एक एक जानवर यहाँ पे चारा जो है वो खा रहा है, तो उसी पीस ऑफ लैंड पे दो जानवर आते तो क्या होता है? रिसोर्सेस क्या होते हैं? डिप्लीट होते हैं। अगर तीन जानवर आते तो क्या होता है? ओवर पॉपुलेशन होता है और भी ज़्यादा रिसोर्सेस का डिप्लेशन होता है। तो उसी तरह से हार्डिन भी कहते हैं, हार्डिन ब्लेम द वेलफेयर स्टेट फॉर अलाउिंग द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। हार्डिन जो है, जो वेलफेयर स्टेट है उनको ब्लेम करते, क्यों ब्लेम करते? वेयर द स्टेट प्रोवाइडर्स फॉर चिल्ड्रन एंड सपोर्ट ओवर ब्रीडिंग एज अ फंडामेंटल राइट मालथसियन कैटास्ट्रोफ इज इनएविटेबल। हार्डिन बोलते हैं अगर जब स्टेट बच्चों को प्रोवाइड्स करेगा और जो ओवर ब्रीडिंग जो हो रहा है उनको एज अ फंडामेंटल राइट है आपका, आप कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, ऐसा फंडामेंटल राइट है आपका, ये बोल के अगर
प्रोटेक्शन उनका कर रहा है, तो क्या कर रहा है स्टेट इनडायरेक्टली, माल्थुसियन, माल्थस ने कैटास्ट्रोफ जो दिया है तो वही कैटास्ट्रोफ की ओर हम जा रहे हैं, तो वह कैटास्ट्रोफ आ सकता है ऐसा वह कहते हैं। ही स्टेटेड इन हिज एनालिसिस ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ कम्युनिटी, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, दैट फ्रीडम इन अ कॉमन्स ब्रिंग रूइन टू ऑल। वह कहते हैं कॉमन लोगों को मैक्सिमम अगर फ्रीडम देंगे तो वह सबके लिए एक मुसीबत पैदा कर सकता है। यह इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बहुत ही ले लैंग्वेज में मैंने आपको ये समझाया है। इसको अगर आप एक बार रिपीट सुनेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं इस कॉन्सेप्ट को, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स को। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल ग्रुप इज नॉट एक्सपीरियंसिंग द स्टेट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। इनमें से कौन सा ग्रुप जो है सोशल एक्सक्लूजन को एक्सपीरियंस नहीं करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गेटेड कम्युनिटी। देखो पुअर लोग तो शहरों के बाहर जाके स्लम एरियाज में बसते हैं, इंडिजिनियस पीपल का भी आप देखते हुए जैसे कि ट्राइब्स है वो तो जंगलों में जाके रहते हैं, तो उनका क्या हो रहा है सोशल एक्सक्लूजन तो हो रहा है उनका। और जो होमलेस है जिनको घर नहीं है वो स्ट्रीट पे रहेंगे या शहरों के बाहर ही तो चले जाएंगे, उनका सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है। बट गेटेड कम्युनिटी का नहीं होता। गेटेड कम्युनिटी का क्या मतलब है, ये जो गेट है ठीक है इसी से ये कॉन्सेप्ट बना, गेटेड कम्युनिटी यानी कि उसको वॉल्ड कम्युनिटी भी बोलते हैं। वॉल्ड कम्युनिटी इज ए फॉर्म ऑफ रेसिडेंशियल कम्युनिटी यूजुअली स्टाफ्ड बाय प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स। गेटेड कम्युनिटी एक ऐसी होती है, बहुत ही रिच लोग होते हैं, उनके खुद के घर होते हैं, उनके घरों के कंपाउंड वॉल्स होते हैं, इधर गेट भी होता है सामने और सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, तो उनका इनका सोशल एक्सक्लूजन इनका कभी हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 54, अकॉर्डिंग टू वेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी। रैशनल लीगल अथॉरिटी का इनमें से कौन सा टाइप है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज ब्यूरोक्रेसी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 55, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज यूज फॉर। स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज लार्ज स्केल डाटा कलेक्शन। लार्ज स्केल का जो डाटा होता है उसका कलेक्शन करने के लिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हम यूज करते हैं। दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वे। इनमें से कौन सा सर्वे का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कंसर्न्ड विथ मोर जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। देखो सर्वे क्या करता है, सर्वे इट इज बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के सैंपल, इट इज बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। रिप्रेजेंट पॉपुलेशन का जो सैंपल होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव के बेस पर यह होता है। इट इज बेस्ड ऑन डाटा डायरेक्टली शॉर्ट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट से हम जो रिसर्चर्स क्या करता है उनके पास जाता है सर्वे में और डायरेक्ट उनसे डाटा लेता है, उनको क्वेश्चन पूछता है और जो आंसर देते हैं वो आंसर वो लिखता है, कलेक्ट करता है वो डाटा। इट इज कवर्स लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स कंपेयर्ड विथ अदर मेथड्स। करेक्ट है, यह क्या करता है, इट कवर्स लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। यह लार्ज नंबर जो बहुत ज्यादा संख्या में जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको कवर करता है कंपेयर टू अदर मेथड्स। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है सर्वे मेथड के, बट ये नहीं है, इट इज कंसर्न्ड विथ मोर जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट डेवलप्ड वेलफेयर स्टेट। लीस्ट डेवलप्ड वेलफेयर स्टेट इनमें से कौन सा है, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज यूएसए, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, यह वेलफेयर स्टेट ज्यादा है बट यूएसए कम है। क्वेश्चन नंबर 58, हु कॉइन्ड द टर्म मोर्स टू रेफर टू नॉर्म्स दैट आर वाइडली ऑब्जर्व्ड एंड हैव ग्रेट मॉरल सिग्निफिकेंस। मोर्स को नॉर्म्स, एक ऐसे जो नॉर्म्स है जो वाइडली ऑब्जर्व्ड है और मॉरल सिग्निफिकेंस रखते हैं,
वैसे नॉर्म्स को मोर्स किसने कहा है? तो उसका करेक्ट आंसर है डब्ल्यू जी सम्नर ने. देखो मोर्स क्या है, नॉर्म्स दैट स्ट्रक्चर्स द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. सही है, सही क्या है और गलत क्या है, ये जो नॉर्म्स आपको बताते हैं सही क्या है और गलत कौन सी चीज है, तो उस नॉर्म्स को क्या कहेंगे हम, मोर्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल के लिए, डोंट ड्राइव एट 90 मीटर पर आर इन अ रेसिडेंशियल एरिया. रेसिडेंशियल एरिया में आप 90 की स्पीड पे गाड़ी मत चलाओ, एक्सीडेंट हो सकता है. मॉरली क्या करता है, आपको सजेस्ट करता है कि नहीं ये चीज गलत है. डोंट टेक ड्रग्स, ड्रग्स मत ले लो, यह अच्छा नहीं है. ये भी आपको क्या करता है, मॉरली सिग्निफिकेंस आपके सामने रखता है इसका. क्वेश्चन नंबर 59, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनवैलिडेटेड ए पार्ट ऑफ सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी डिक्रिमिनलाइजिंग. सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल सॉरी आईपीसी के सेक्शन 377 को खारिज किया है. तो 377 डिक्रिमिनलाइजिंग किसको करता था, टेक अ टाइम. करेक्ट आंसर इज होमोसेक्सुअलिटी. क्वेश्चन नंबर 60, इंटरप्रिटिविज्म इज द पोजिशन इन. इंटरप्रिटिविज्म जो है उसका पोजिशन इनमें से कौन से आइडियोलॉजी में है, थियोरेटिकल, ऑन्टोलॉजिकल, मेथोडोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल. करेक्ट आंसर इसका ये है, एपिस्टेमोलॉजिकल में इंटरप्रिटिविज्म का पोजिशन है. एपिस्टेमोलॉजी को हम ज्ञान मीमांसा शास्त्र भी कहते हैं, यानी कि वहां पे इंटरप्रेट किया जाता है नॉलेज को. क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑनर किलिंग इज नॉट करेक्ट. ऑनर किलिंग के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन के साथ ही हम देखते हैं. ऑनर किलिंग आर डिफरेंट फ्रॉम डाउरी डेट्स. करेक्ट है, ये डाउरी डेट से डिफरेंट है. ऑनर किलिंग आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय लॉ, लॉ ने उसको अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है. करेक्ट है. और मोस्टली डायरेक्टेड अगेंस्ट वीमेन, ये भी करेक्ट है. अकर्स इन साउथ एशियन कंट्रीज ओनली. ऑनर किलिंग बस साउथ एशियन कंट्री में ही होता है क्या? नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऑनर किलिंग होता है. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन हम देखेंगे. तब तक के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज स्प्रेड करने से नॉलेज बढ़ता है. ये जो पॉजिटिव चीजें हैं, हम लोगों को पॉजिटिव चीजें जितना हो सके उतना स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अगले नेट की या सेट की या गेट के एग्जाम की या कोई पीएचडी का आपका पेट का एग्जाम हो, तो उन बच्चों के लिए यह अपना वीडियो काम आ सकता है. वह बच्चे अपने करियर में सक्सेस पा सकते हैं, तो क्यों ना हम उनके सक्सेस में उनके लिए कुछ हेल्प कर सके. इसीलिए यह वीडियो मैक्सिमम आप जो लोग सोशियोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.